राधे राधे। आप सभी को भोलेनाथ के पवित्र सावन माह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन शुरू होने से पहले ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर कर लेने चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में शिव भक्त व्रत रखते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। इस साल सावन का महीना सोमवार से शुरू होगा, इसीलिए सावन महीने का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में आज जानते हैं पंडित जी से कि हमें सावन से पहले अपने घर में कौन से बदलाव कर लेने चाहिए। ये बदलाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। यदि आप ये बदलाव नहीं करते हैं तो आप शिव जी की कृपा से वंचित रहेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सावन शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो घर में ले आएं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन से पहले ही एक त्रिशूल लाना चाहिए। ये त्रिशूल चांदी या तांबे का हो सकता है। इस त्रिशूल को आप घर के हाल में स्थापित करते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सावन शुरू होने से पहले अपनी जरूरत के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एक छोटा सा त्रिशूल जरूर खा ले आए। और दूसरा कार्य हमें ये करना है कि सफाई करनी है पूरे घर की। सावन शुरू होने से पूर्व ही आपको पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। साथ ही पूजा स्थल को भी साफ करना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। और तीसरा बदलाव जो करना है वो है जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं उनको जल में प्रवाहित करना है। किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए सावन शुरू होने से पहले आपको खंडित मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आसपास नदी ना हो तो इन मूर्तियों को आप किसी मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं। जैसी सुविधा हो उस हिसाब से ये काम जरूर कर लें। और इसके साथ ही सभी तरह के तामसिक पदार्थों को घर से बाहर कर दें। अगर घर में मदिरा, सिगरेट जैसी तामसिक पदार्थ हैं तो उसे घर से दूर आपको कर देना चाहिए। और इसके साथ ही सावन में प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित होता है, इसीलिए इनका सेवन सावन शुरू होने से पहले ही कर लें यदि आप करना चाहते हैं तो, अन्यथा कोई बात नहीं। और अगला काम जो करना है वो ये करना है कि ज़मीन पर सोने की व्यवस्था कर लेनी है। सावन के महीने में आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिव कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही आपकी सेहत में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो सावन शुरू हो उससे पहले ज़मीन पर सोने की व्यवस्था करें और इसके साथ ही एक स्थान बनाएं जहां पर आप ध्यान कर सकें। सावन के महीने में शिव जी का ध्यान करना और उनके मंत्रों का जप करना अत्यंत मंगलकारी होता है, इसीलिए आपको अपने घर में एक ऐसा स्थान सावन के दौरान बनाना चाहिए जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो, जहां शांति बाकी कमरों की तुलना में ज़्यादा हो, वहां बैठकर आपको शिव जी का ध्यान करना चाहिए। तो ये बदलाव ये सावन से पहले आपको अपने घर पर कर लेने चाहिए ताकि भगवान शिव जी की कृपा आपको पूरी तरीके से मिल सके। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ
बनाए रखे। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।